नव मंगल मोद बधाई। हो सकता है अयोध्या वासियों ने निर्णय किया हो, जब तक श्री राम विश्वामित्र जी के साथ रहे, जितने भी त्योहार आए अयोध्या वासियों ने एक भी त्योहार नहीं मनाया। सोचा कि जब राम जी आ जाएंगे तब मनाएंगे। अब होली के दिन होली मनाई नहीं, लेकिन जब राम जी आ गए जितने त्योहार मनाना बाकी था वो मनाना शुरू कर दिया। फिर होली हो ना हो, लेकिन राम जी आ गए तो आज मकर संक्रांति मना ली, कल वसंत पंचमी मना ली, फिर शिवरात्रि मना ली, फिर होली मना ली, फिर भगवान का जन्मदिन मना लिया, नवमी मना ली, फिर अक्षय तृतीया मना ली, फिर गंगा दशहरा मना लिया, है नहीं? लेकिन भगवान आ गए तो नित्य आनंद है, नित्य उत्सव है, नित्य त्योहार है, नित्य नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या वासियों का जीवन ऐसा है, बड़ी विचित्र बात यहां है, कोई दुखी नहीं। एक नगर में ऐसा हो सकता है? सब विधि सब पूरे लोग सुखारी संभव है क्या? शहर में कोई दुखी ना हो, सब सुखी और सब प्रकार से सुखी, सर्वकाल सुखी, इस प्रकार का सुख केवल अध्यात्म का होता है। अध्यात्म में व्यक्ति सदैव सुखी। अगर पारिवारिक दुख है, शारीरिक दुख है, आर्थिक है, लेकिन उसको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अध्यात्म सुख देता है। जिसको स्वभाव सुख देता है उसको कोई दुख नहीं दे सकता। सब बीती सब पुर लोग सुखारे, और इसका कारण था राम चंद्र मुख चंद्र निहार। जब हमारी चित्त वृत्ति का केंद्र राम हो जाए, भगवान को ही देखना, भगवान को ही सुनना, भगवान की खुशी का विचार करना, भगवान के लिए ही जीना, भगवान के लिए ही काम करना, भगवान के लिए ही विश्राम करना, और भगवान के लिए ही विश्राम से उठना, दुख बैठेगा कहाँ जीवन में? दुख आएगा तो रहेगा कहाँ? जिसके जीवन का है तू ही परमात्मा है, और परमात्मा कौन है? सो सुख धाम राम असना। ईश्वर सुख धाम है, और जिसके जीवन का हेतु ही परमात्मा है। जपना तो भगवान को, देखना तो भगवान को, सोचना तो भगवान को, भजना तो भगवान को, जब हेतु ही परमात्मा है, और परमात्मा ही तो सो सुख धाम राम है, तो दुख आएगा, आ भी गया तो बैठेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? पूरे कोलारस में उसको मकान ही नहीं मिलेगा रहने के लिए, कहीं भागना ही पड़ेगा उसको। इसलिए सब विधि सब पुर लोग राम चंद्र मुख चंद्र निहारी, राम चंद्र मुख चंद्र निहारी। सब सुखी सर्वकाल सुखी, अयोध्या के लोग मन ही मन विचार करते हैं, सबके मन अभिलाष अस कहि मनाई महेशु, आप अक्षत जुग राजपद राम ही दे नरेशु।
महाराज जीते जी अयोध्या का साम्राज्य राम को दे गए। यहाँ दो प्रकार की मनोदशा है लोगों की। महाराज के सामने जाकर लोग कहते हैं हम भाग्यवान हैं, हमें आपके समान राजा मिले। महाराज आप भाग्यवान हैं, आप पुण्यवान हैं, आप धर्मात्मा हैं। लेकिन घर जाकर भगवान शंकर से कहते हैं कि महाराज ये सत्ता राम जी को देते हैं। दसों दिशा से महाराज की प्रशंसा हो रही थी। यहां तक लोग प्रशंसा करते हैं और गोस्वामी जी अपनी ओर से भी कहते हैं त्रिभुवन तीन काल जग माई त्रिभुवन तीन पूरी भाग दशरथ महाराज के समान कोई भाग्यवान नहीं है। तीनों लोक में, तीनों काल में, त्रिभुवन में महाराज के समान कोई भाग्यवान नहीं है। स्वयं महाराज ने भी गुरुदेव के चरणों में जाकर के कहा था मोसमयः अनुभयः न देवो, मेरे समान भाग्यवान दूसरा नहीं है दुनिया में। मैं खुद को माला माल महसूस कर रहा हूं, मैं खुद को महाभाग महसूस कर रहा हूं। और इसका कारण है मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल मूल राम सुत जासु, छोर सब तास, जो कछु छोर सब तास। जो कुछ भी कहा जाए महाराज के भाग्य की सराहना, जो कुछ कहा जाए कम है। जो कछु कही है थोर कम ही है। भगवान राम जिन की गोदी में हो, राम जिन का पुत्र हो, उसके भाग्य के लिए, उनके भाग्य की सराहना के लिए क्या करें। दसों दिशा से महाराज के भाग्य की सराहना हो रही थी और ऐसे अवसर पर बड़ी सुंदर बात है कि महाराज ने सभा में बैठे हुए महाराज ने राव सुभाव मुकुर कर लेना, बदन बिलो की मुकुट समकना। महाराज ने आईना उठाया और आईने में अपना चेहरा देखा। यही सावधानी है, यही ब्रह्म के पिता का, राम के पिता का यही गुण है कि जब दुनिया बहुत प्रशंसा करे, खूब जय जयकार हो, तब हमें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि लोग सराहना करते हैं, क्या हम सही में ऐसे हैं, क्या वास्तव में मैं धर्मात्मा हूं या नहीं। कहां देखा, रावु सुभावु मुकुर कर लेना, मुकुर कर लेना यानी कर मुकुर। अब पंक्ति बनाने के लिए, इसका प्रास बनाने के लिए तुलसीदास जी कोई भी शब्द कहीं भी रखे, कर मुकुर शब्द है। राव सुभाव मुकुर कर लेना, मुकुर कर लेना मतलब हाथ में आईना लिया, आईना हाथ में लिया, ये भी हो सकता है। अथवा कर मुकुर, महाराज ने हाथ रूपी आईने में देखा, कर्मकुर में देखा कि लोग मुझे धर्मात्मा तो कहते हैं लेकिन मैं हाथ को तो पूछूं कि कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। अपने कर्मकुर में देखा, हाथ रूपी आईने में देखा।
जब कर्म कुर में महाराज ने देखा तो हाथ आई ना तो झूठ नहीं बोलता। तो कर्म कुर ने कहा कि लोग आपको धर्मात्मा 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 कहते हैं, लेकिन महाराज दुनिया को नहीं पता आपके हाथों से एक घोर अपराध भी हुआ है। और आईना क्या कहता है, हाथ क्या बताते हैं कि महाराज आपने इन हाथों के द्वारा एक अंध माता पिता का एक लौता पुत्र श्रवण था, आपने उस पर बाण भी चलाया है।